नोएडा सेक्टर 63 ए में घर के सामने सड़क किनारे मां के साथ खेल रही 19 माह की बच्ची को कार ने कुचल दिया। शुक्रवार देर रात को हुए हादसे में गंभीर रूप से घायल मासूम को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आईसीयू में भर्ती मासूम की हालत गंभीर बनी हुई है। बच्ची के पिता की शिकायत पर कोतवाली सेक्टर 63 पुलिस ने कार चालक मूल रूप से सोनीपत निवासी विनीत के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बताया जा रहा है कि जिस समय यह हादसा हुआ उस वक्त वह शराब के नशे में था, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। कल दिनांक 28 जून को थाना 63 के अंतर्गत सेक्टर 63 ए में एक कार चालक द्वारा घर के बाहर खेल रही 1.5 साल की बच्ची के ऊपर कार चला दी गई थी, जिस संदर्भ में थाना 63 में संगीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। आरोपी चालक की गिरफ्तारी है, टीमें रवाना है, शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। बच्ची के बेहतर उपचार है अस्पताल से निरंतर संपर्क किया जा रहा है। अन्य कार्रवाई प्रचलित है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से अमर सैनी की रिपोर्ट।